नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सभी बच्चों की एंट्री करने के बाद हम उन बच्चों की एक्सेल शीट को कैसे डाउनलोड करें, जिससे हम उन सभी बच्चों की जानकारी मिलान कर सकें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं जानकारी। सबसे पहले आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश में, यदि आपको जानकारी समझ में ना आए तो यहाँ से भाषा चेंज करके हिंदी में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम भाषा का चयन कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हम सभी बच्चों की एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे रिपोर्टिंग मॉड्यूल में और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें एक नया पेज मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं नामांकन विवरण, यहाँ पर जाएंगे और नामांकन विवरण में जाने के बाद इस तरह से देख सकते हैं, विवरण छात्र के अनुसार यहाँ कार्रवाई करें। यहाँ देख सकते हैं आप एक्सेल डाउनलोड करें। तो साथ ही यहाँ क्लिक करने पर हमें सभी बच्चों की एक्सेल शीट हमें डाउनलोड होकर प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं, इस एक्सेल शीट डाउनलोड करें, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारी एक्सेल शीट यहाँ डाउनलोड होने लगी है। और यहाँ डाउनलोड होने के बाद हम सीधे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यह शीट कहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पता चल जाएगा। और यदि हम यहाँ डायरेक्ट हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल शीट हमारी ओपन हो जाती है और इस तरह से हमें सभी बच्चों की जानकारी एक्सेल शीट में प्रदर्शित होकर हमें प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं, यहाँ हमें इन बच्चों की, इस तरह से एक्सेल शीट में सभी बच्चों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सभी बच्चों की जानकारी को स्कूल के रिकॉर्ड से मिलान कर लें, जैसे कि दाखिल खारिज नंबर और नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आधार नंबर, आधार में जो नाम है वो हमने दर्ज किया है या नहीं किया है, ये मिलान करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।